Hi there, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. Okay, so आज हम discuss करेंगे writing module. Yes, we are going to discuss task 2 of our writing module. Fine. And task 2 is one of the toughest modules, है ना? Which I believe and surely you all believe. Clear? तो मैं आज आपको बताऊंगी task 2 में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है and अगर आप मेरे ट्रिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे बिलीव मी यू विल डेफिनेटली अचीव 7+ बैंड. 7 तो आपका कहीं पे नहीं गया. क्लियर? बिकॉज जब भी हम टास्क 2 लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू राइट इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट 7 बैंड इंट्रोडक्शन. बिकॉज राइटिंग में इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं एंड यू ऑल नो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. क्लियर? तो अगर आपने स्टार्टिंग में से ही एक इम्प्रेशन बिल्ड कर दिया, जैसे जैसे एग्जामिनर चेक करना स्टार्ट करेगा आपका पेपर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. एंड इफ समहाउ BP1 BP2 में अच्छी वोकैब नहीं लिखी गई, कंक्लूजन इतना इम्प्रेसिव नहीं लिखा गया, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत इम्प्रेसिव थी, देन एग्जामिनर कैन निग्लेक्ट सम ऑफ योर मिस्टेक्स, है ना? एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर हो गई, तो उनको वो साइडलाइन कर सकता है बिकॉज इंट्रोडक्शन आपने बहुत इंप्रेसिव लिखी. क्लियर? तो आज मैं आपको बताऊंगी, इट इज स्पेशली फॉर द GT स्टूडेंट्स. एकेडमिक स्टूडेंट्स भी इससे टिप्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स की, तो उस टाइम पे वो इतने केपेबल नहीं होते कि चीजों को मोल्ड करें. ठीक है? बट GT स्टूडेंट्स का तो बैंड स्कोर ही, उनको क्या अचीव करना होता है? 7 by anyhow. क्लियर? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन द एसे. मैंने एक ऐसे टॉपिक चूज किया है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडेस वीडियो आई टेल यू हाउ टू राइट इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है? आपने सुना होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, एवरीवन टॉक्स अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना? कि आपको स्टार्टिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना? व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? ठीक है, आई टेल यू व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एसे का हेडिंग देखते हैं क्या है. In recent years, life has become more stressful than it has been. के recent years में अब क्या हो चुका है? जो life है हर एक individual की बहुत क्या हो चुकी है? Stressful हो चुकी है. पहले के comparative अगर हम बात करें, means past में इतने stressful नहीं होते थे लोग, लेकिन stress अब बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. As a consequence, जिसकी वजह से, जिसके नतीजे क्या है? As a result, more and more people are suffering from stress related problems. बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है? स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मींस मेंटल डिसऑर्डर्स हो रही हैं. नो, व्हाट आर दीज स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स? डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, मेंटल ट्रॉमा, है ना? वो इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, लेस सोशल हो रहे हैं. ठीक है? सो दीज आर ऑल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जिनकी हम बात करेंगे. अब बताना क्या है, पूछा क्या है? व्हाट फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्रीज? ये जो इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रिमिटिव टाइम्स, उसके पीछे फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स आर रीजंस, कारण क्या है उस चीज के? व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम द करंट प्रॉब्लम? आपको क्या लगता है इस करंट प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करें? क्लियर? मीन्स टॉपिक क्या है, पढ़ के आपके दिमाग में समझ आ गया ना? टॉपिक कौन सी टाइप का है? प्रॉब्लमैटिक ऐसे. इट इज अ प्रॉब्लमैटिक ऐसे. ठीक है? आपको जैसे ही आप पढ़ेंगे वहां पे आपको टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन सी टाइप है. ये टाइप्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स है जो ऐसे का फॉर्मेट है उसमें क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आपने वो वीडियोज अभी तक वॉच नहीं की, सो प्लीज आई रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट, बिकॉज अगर वो क्लियर होंगे तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू गिव आवर रीजंस, मींस फैक्टर्स एंड सॉल्यूशंस, कि उसके कारण क्या है जो स्ट्रेस इतना इंक्रीज कर रहा है, इन फर्स्ट पैराग्राफ. एंड इन सेकेंड वी हैव टू प्रोवाइड सम वे आउट सॉल्यूशंस उसको कम करने के लिए. तो टॉपिक तो हमें क्लियर हो गया. फाइन? ओके, अब बात आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की. अब आपके पास क्या हुआ? टॉपिक आया, आपने क्या किया? साथ के साथ ऐसे पढ़ा, देन हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है फटाफट से ऐसे को समझना किस चीज के ऊपर है, उसकी टाइप को समझना, उसमें से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, जो मेन वर्ड्स हैं हमारे रिपीट होने वाले हैं उनकी वो कैब लिखना. ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि टॉपिक स्ट्रेस के ऊपर है तो बार बार स्ट्रेस तो आने ही वाला है, सो टू अवॉइड रेपिटेशन आई हैव टू यूज इट्स सिनोनिम्स, है ना?
तो मैंने क्या किया, स्ट्रेस के सिनोनिम्स पहले से ही लिख लिए, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, बर्डन यू कैन यूज. देन प्रॉब्लम्स बहुत आ रहा है, इंप्लीकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, इश्यू, ग्रेव इश्यू, मेनेस, आप ये लिख सकते हैं. फैक्टर्स, रीजंस एंड बिगेस्ट, ये यूज कर सकते हैं. इंक्रीज, सर्ज, वर्जियन, सॉर, मशरूम, यू कैन ऑल्सो यूज. ओवरकम, सोल्यूशन है तो उसमें ओवरकम वर्ड तो आएगा ही, कम करने के लिए मैं क्या करूं उसको, यू कैन यूज मिटिगेट, कर्ब, रिड्यूस. क्लियर? सो दीज आर ऑल वोकैबुलरी सिनोनिम्स जो हमारे रिपीट होने वाले हैं. सो टू अवॉइड रेपिटेशन हम क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस. इनको एक बार यूज करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको यूज करेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लिखने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन में आप सभी को पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव जनरल लाइन, है ना, एक जनरल स्टेटमेंट हमें देनी होती है. देन वी हैव टू डू पैराफ्रेजिंग, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हम उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं. देन हम क्या देते हैं, थीसिस. थीसिस का मीनिंग होता है कि हम वीपी वन एंड वीपी टू में क्या बताने वाले हैं. मींस इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है आपके एसे का जिसमें ही आप क्लियर कर देते हैं एग्जामिनर को व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर वीपी वन एंड वीपी टू. उसके माइंड में 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं पहले से ही, एंड वही माइंडसेट बना के एग्जामिनर फर्दर रीड आउट करता है आपका फुल एसे. क्लियर? ओके. अब जनरल लाइन क्या होती है, एक सिंपल स्टेटमेंट. अब जैसे टॉपिक अगर मैं पढ़ूं वो स्ट्रेस के ऊपर है ना, तो अगर मैं स्ट्रेस से ही स्टार्ट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया, नो डाउट स्ट्रेस हैज इंक्रीज, स्ट्रेस हैज सर्ज अ लॉट इन द कंटेम्प्रेरी एरा एज कम्पेयर टू द प्रिमिटिव एरा. अगर मैं ऐसे एक सिंपल से जनरल लाइन बना दूं, सो कुड यू गाइस थिंक इट इज इफेक्टिव, वो काम करेगी आपका 7 बैंड अचीव करने के लिए वहां पे. अगर आपको 6-6.5 अचीव करने हैं, इट्स मच बेटर, है ना, आप डायरेक्टली जाइए ऐसे में. उसकी 6 or 6.5 बैंड की भी एक इंट्रोडक्शन आपको बना के दिखाऊंगी कि आप सिंपल इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं जिसमें आप इजीली अचीव कर सकते हैं. बट बिलीव मी गाइस, अगर आपको 7 अचीव करने हैं तो आपको क्या करना होगा, बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा डिफरेंट चीजें परफॉर्म करनी होगी, है ना. सो वैसे स्ट्रेस की आपको जनरल लाइन ना बना के पहले आपने टॉपिक पढ़ा. टॉपिक क्या पढ़ा कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है लोगों की, है ना. इसके बदले जिसके नतीजे क्या है, जिसका रिजल्ट क्या है, जो बहुत ज्यादा लोग हैं, मोर एंड मोर पीपल वो सफर कर रहे हैं स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना. अब हाउ टू स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत इफेक्टिव वहां पे एक पावर वर्ड आना चाहिए, ठीक है. जैसे मैंने यहां पे लिखा है विदाउट एनी क्वाम. विदाउट एनी क्वाम मीन्स अनडाउटेडली, है ना, बिना किसी शक के, इनएविटेबली आप लिख सकते हैं, ठीक है. इसके मैं और भी सिनोनिम्स आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू गाइस कैन चेक आउट, शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगी. क्लियर? एन अर्ज टू अर्न मोर एंड मोर मनी. अर्ज, पावर वर्ड्स का ध्यान दीजिए मैंने कौन कौन से डाले हैं. इट विल डेफिनेटली वर्क टू अचीव 7, ठीक है. अब क्या है, इच्छा है, है ना, उसमें क्या है, एन अर्ज टू अर्न मोर एंड मोर मनी. आजकल लोगों को अर्ज है, ठीक है, इच्छा है उनको, अंदर से होता है, ठीक है, उनको एक लालसा हो गई है, ठीक है, क्या कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए. हैज लेड टू अ लाइफ फुल ऑफ एंजाइटी, ठीक है. तो लोगों ने जो ज्यादा उनको क्या है, इच्छा है पैसा कमाने की, उसने एक ऐसी लाइफ को जन्म दे दिया है, और गिव बर्थ भी आप लिख सकते हैं, जो क्या है, फुल ऑफ एंजाइटी. तो मैंने स्ट्रेस को यहां पे क्या कर दिया, सिनोनिम डाल दिया फुल ऑफ एंजाइटी. बाय डिंट ऑफ विच. बाय डिंट ऑफ विच एक बहुत अच्छा वर्ड है रिप्लेस करने के लिए किसको, बिकॉज. और भी वर्ड्स होते हैं जिनके मैं क्या करूंगी, आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी सिनोनिम्स, ठीक है. जिसकी वजह से एवरीबडी, मोर एंड मोर था बहुत ज्यादा, मैंने लिख दिया एवरीबडी. एनकाउंटर, एनकाउंटर इज वॉट, फेस कर रहे हैं वो, एक्सपीरियंस कर रहे हैं वेरियस इम्प्लीकेशंस. वेरियस इम्प्लीकेशंस क्या, ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना. अब मैंने एक सिंपल जनरल लाइन ना लेके मैंने क्या किया, यहां पर हल्का सा उसको पैराफ्रेज भी कर दिया, यहां भी मैंने अपनी जनरल स्टेटमेंट भी दे दी, है ना. क्लियर है, देखा कि कैसे मैंने प्ले किया इन चीजों को. आपको ये पर्टिकुलर चीज सीखनी है, इसको ही लेके आना है आपको अपनी इंट्रोडक्शन में, देन डेफिनेटली इट विल बी इफेक्टिव. क्लियर?
तो ये तो क्लियर हो गया कि बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट से लोगों को क्या अर्ज है, क्या इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते रहे, है ना, जिसकी वजह से उनको बहुत, जिनकी वजह से उनकी लाइफ एंजाइटी से फुल हो चुकी है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सभी लोग, बहुत ज्यादा लोग क्या फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी इंप्लीकेशंस क्या, प्रॉब्लम्स। ओके, दिस इशू इज सर्जिंग। अब उन्होंने क्या लिखा था, ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, फिर से पैराफ्रेज कर रही हूँ। दिस इशू इज सर्जिंग, दिस इशू कौन सा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया ना फुल ऑफ एंजाइटी जो है, या फिर यहाँ पे आप सीधा स्ट्रेस भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ऊपर एंजाइटी लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे एक बार स्ट्रेस यूज कर लूंगी दैट इज फाइन, है ना। स्ट्रेस इज सर्जिंग ड्यू टू, किसकी वजह से, द इम्बेलेंस इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो मैंने यहाँ पे अपना क्या दे दिया, रीजन आपको BP1 में एक्सप्लेन करने हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको BP2 में एक्सप्लेन करने हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिए रीजन, मींस मैं BP1 में क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किसके साथ जोड़ के बताया है उसको मैंने एड ऑन कर दिया विद पैराफ्रेजिंग, है ना। सो दिस इश्यू इज सर्जिंग, क्यों, क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है लोगों का केस में पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं ऑब्वियसली अपना पहला जो रीजन है, जी मैंने बताया है मेन पॉइंट्स, है ना, मेन आइडिया बताया है, इसके बाद जब BP1 BP2 लिखूंगी उसमें मैं क्या जोड़ूंगी इसके साथ, अपने सपोर्टिंग आइडियाज, सब आइडियाज। तो दूसरा क्या होगा, प्रोफेशनल लाइफ। अब मुझे और क्या बताना है कि मैं क्या दूंगा, सॉल्यूशंस, है ना, सॉल्यूशंस भी उसने पूछे थे ना क्वेश्चन में, ओवरकम करने के लिए क्या है, तो वो भी ऑब्वियसली मुझे थीसिस में करना होगा। देखिए उसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज एक्नॉलेज्ड, आई एक्नॉलेज में यूज कर सकती हूँ, आई नहीं, आप एक दो बार यूज कर सकते हैं योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, बट अगर आप एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस यूज करोगे इट विल डेफिनेटली एक्ट एज अ चेरी ऑन द केक। समझ आया, इट इज एक्नॉलेज्ड द ग्रेव इशू ऑफ स्ट्रेस, ग्रेव इशू है ना, क्लियर, जो स्ट्रेस का ग्रेव इशू है कुड बी रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स ओवरकम करना, मिटिगेट लिख सकते हो इसको, एलिविएट लिख सकते हो, By taking suitable initiatives, suitable initiatives अगर आप लेंगे, suitable measures अगर आप लेंगे, such as कौन से, indulging in exercise, stress कैसे कम होता है, अगर हम exercise करते हैं, active रहते हैं, अपना lifestyle change करते हैं, and yoga, है ना। तो ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, आप इसमें बैलेंस डाइट भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स तो डिफर करेंगे ही, लेकिन आपको समझना है लिखने का तरीका। तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, फर्स्ट सॉल्यूशन में अपना एक्सरसाइज के ऊपर दूंगा, सेकंड में अपना योगा के ऊपर दूंगा, क्लियर। तो देखा कितना इफेक्टिव, कितना सिंपल, कैसे मैंने उसको जनरल लाइन बनाई, कैसे फिर उसी में मैंने पैराफ्रेज कर दिया, विदाउट मैंने सेंटेंसेस को कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया है ना, वाइडेंट ऑफ विच, ड्यू टू, ये चीजें यूज करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको यूज करना है 7 अचीव करने के लिए। बिकॉज गाइस, जब आप GT स्टूडेंट हो एंड आपका टारगेट है 7 अचीव करना, तो पहले से ही माइंड सेट बना लो कि सिंपल सेंटेंसेज अगर आप लिख के आओगे नहीं होगा, 6.5 पे ही रह जाओगे, चाहे कितने भी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो जिससे डे वन से जब से आपको प्रैक्टिस करनी है, चीजों को ध्यान रखना है, अगर ये आपके वीकर एरियाज हैं तो फर्स्टली वर्क ऑन दीज एरियाज, देन मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। सो आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू गाइस, एंड इन आर अपकमिंग वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, BP1 BP2 एंड कॉन्क्लूजन, क्लियर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्या करेंगे, यू आर फ्री टू राइट डाउन मी, फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू, बाय।